से समाप्ति की आहट, रात्रि का उदय, ये दिन कर जो कर तुम नियत समय को रात्रि को धरती पर स्थान देते हो, आप तो जानते हो चंद्रमा की शीतलता मन को दग्ध कर देती है, उसकी धवल उज्ज्वल प्रभा संसार को भले सुख देती हो, परंतु प्रत्येक रात्रि मुझे चंद्र उदय से ही व्याकुलता होने लगती है। रात्रि की काली छाया मुझे और मेरे प्रस्तर मात्र के हृदय को अतीत के बियावान में घसीट ले जाती है, जहाँ इस पापी चंद्रमा के घृणित सहमति ने एक पतिव्रता को शापित कर दिया। कितनी बार ये सहूं मैं और किससे कहूं कि ये हतभाग चंद्रमा पापी है, इसकी उज्ज्वलता संसार के समस्त पंख से भी ज्यादा काली है। नहीं मां, मां मेरे रहते इस दुष्ट चंद्रमा की छाया भी तुझ पर नहीं पड़ने दूंगा, नहीं पड़ने दूंगा। यदि ये संभव हो पाता कि मेरे हृष्ट पशुओं के समान नाखून होते तो चंद्र मैं तुम्हें पुत्र, तुम तो सर्वहितकारी हो, मैंने अपनी संतान मानकर आंगन में तुम्हें रोपा था, पुत्र की भांति तुम्हारी देखभाल की थी, और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूंगी कि मेरा पुत्र क्रोध में भी किसी का अहित सोचे। क्रोध पापों का मूल है पुत्र, तुम तो जानते ही हो कि मेरी यह दशा ऋषि श्रेष्ठ गौतम के क्रोध का ही परिणाम है। यदि उस दिन वो बिना क्रोध किए मेरी बात पर विचार कर लेते तो उन्हें सत्य का भान हो जाता और मैं ईश्वर के श्राप का भाजन ना बनती। वही श्राप ही तो मेरे हृदय में शूल बनकर चुभता रहता है माता, दशा प्रतिक्षण मुझे दुष्ट चंद्रमा और दुराचारी इंद्र के प्रति प्रतिशोध के लिए ललकाती है। मेरी इस दशा का वास्तविक कारण वह दुर्योग है पुत्र, जिसे विधाता ने मेरे भाग में लिख दिया, लेकिन मुझे अपने भाग से रंच मात्र भी कष्ट नहीं, क्योंकि उसी विधाता ने वृक्ष रूपी तुम्हारे समान पुत्र भी सौंपा है, जो दिन कर में स्वयं तप कर मुझे छाया में रख शीतल बनाए रखता है, मूसलाधार बरसात में मुझ पर ओट बनाए रखता है, रात्रि की भयावहता में मुझे सांत्वना देता रहता है। मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ पुत्र कि तुम्हारे रहते मुझे जरा भी कष्ट नहीं, शिलाखंड बनना मेरे लिए दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य सूचक है। क्या कहती हूँ माता, ये कैसा सौभाग्य है? सौभाग्य नहीं तो और क्या है पुत्र, मेरे एकाकी जीवन के निरस्ता को धरित्री का संस्पर्श मिला हुआ है, पवन का संगीत और दिनकर की आभा की दिव्यता मिली हुई है, तुम्हारे समान पुत्र के सहचर्य के बाद जीवन में कैसी भी विपत्तियां हो सौभाग्य का सूचक है। धरती माँ में जुड़कर हम दोनों सह जाए हैं, तुमसे संवाद कर लगता ही नहीं कि मैं शापित जीवन भोग रही हूँ, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो इस निर्जन वन प्रांत में मैं अपने पुत्र वृक्ष के साथ तप कर रही हूँ। सत्य कहती है मातिया, मेरे भी मन में दुर्भाग्य सूचक कोई भी बात स्मरण शेष नहीं रहती, परंतु रात्रि सूचना पर चंद्रमा की रोशनी मुझे ना जाने क्यों जलाने लगती है,
मेरा हृदय इन पापियों के स्मरण से क्रोधाग्नि में धधकने लगता है। बार बार उस भयावह रात्रि की काली छायाएं मेरे मानस में अंधकार भर देती है और मैं तड़प कर रह जाता हूँ। नारी के दुर्भाग्य की ये कैसी करुण कथा है। अहिल्या, जगत पिता ब्रह्मा की पुत्री अहिल्या, परम सुंदरी ऐसी कि उसके वर के चयन हेतु ब्रह्मा को भी संकटों से गुजरना पड़ा। ऋषि गौतम को धैर्य पाकर ही अहिल्या का कन्यादान हुआ। यद्यपि मेरी बाल्यावस्था थी उस समय, पर मुझे याद है निरभ्र व्यूह पर चंद्रमा की अतिरिक्त हलचल को भागकर जब मैंने जानने की कोशिश की, ये क्या? देवराज इंद्र देवी अहिल्या के रूप पर आसक्त हो घृणित अवसर की ताक में था। और फिर